माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ अपने काव्य गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी को। ठाकुर जी बैठे हैं, मुझे लग रहा है मैं क्या शब्द बोलूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अनंत आकाश की छत्र छाया में विराजित आपकी सार्थक जागृत उत्साह भरी उमंग भरी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और मुझे लगता है मेरे कुछ पूर्ण होंगे जो फलित होने शुरू हो गए हैं। मैंने रात मेरे पिताजी को धरती से गए हुए लगभग 24 साल हो गए रात मैंने उनको सपने में देखा, लेकिन मैंने कहा पिताजी जीजी नहीं आई, माँ को जीजी कहते थे हम, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे आज ठाकुर जी को देखकर और यहाँ सब देखकर याद आ गया, क्योंकि वो पिछले 10-12 दिनों से वो उनकी दिव्य उपस्थिति स्थायी रूप से यहीं पर है। वो दिन रात राधा राधा किया करती थी, हमारे घर में सत्संग हुआ करता था, भजन गाती थी, बहुत छंद याद थे उनको। हम उनका अंश भर में अपनी बात शुरू कर रही हूँ और उनकी प्रियाकांत जी की उपस्थिति को जो हम सबको महसूस हो सकती है उसको प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ और एक छंद से अपनी बात शुरू कर रही हूँ। माता पिता की बात कर रहे थे, मैं केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत पढ़ाती हूँ ठाकुर जी, और संस्कारों की बात करती हूँ, संस्कृत की शिक्षिका हूँ, संस्कृति की संरक्षिका हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा किया है तो वो फलित हो रहा है। पता नहीं इतने लाखों लोग पिछले इतने दिनों से आपको सुन रहे हैं और कब से सुनते चले आ रहे हैं और आज मुझे आपको सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत मेरा कोई पुण्य होगा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद होगा। मैं शुरू करती हूँ वहाँ से कि सुख दुख के चक्र में ही घूमती है जिंदगी, सुख दुख के चक्र में ही घूमती है जिंदगी, खुशियों में बावरी सी झूमती है जिंदगी, खुशियों में बावरी सी झूमती है जिंदगी। माता पिता को हर कदम पे पूजते हैं जो, माता पिता को हर कदम पे पूजते हैं जो, उनको कदम कदम पे चूमती है जिंदगी, उनको कदम कदम पे। तो आप सबके क्या बात है, जीवन में उन्नति खुशियां आपके कदम चूमे। कविता क्या है, कविता की शक्ति क्या है, एक छंद निवेदित कर रही हूँ मनवीर मधुर की कविताओं को सुन के जो आपके भीतर रोमांच हुआ होगा, जो खून में एक खौलाव। एक कविता निवेदित कर रही हूँ मनवीर मधुर की कविता सुनने के बाद में कि मंत्री चाहे रूठ जाए, मंत्री चाहे रूठ जाए, घोटालों में छूट जाए, झूठ के सभी कपाट खोलती है कविता। और एक बात और बता दूं कि हमारे पास कोई हारमोनियम तबला या सिंथेसाइजर नहीं है, हमारे पास एक स्वर है, एक कंठ है, वो भी ठंड में कहीं कहीं अटक भी जाता है बीच बीच में। तो बात सच्ची लगे अच्छी लगे तो बहुत दूर से आए, बड़े मन से आए, वैसे मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी दिव्य विभूतियाँ सामने बैठी हैं तो मेरे लिए इतना काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपसे अपेक्षा करती हूँ कि बात सच्ची अच्छी लगे तो मुझे तालियाँ चाहिए। कि मंत्री चाहे रूठ जाए, घोटालों में छूट जाए, झूठ के सभी कपाट खोलती है कविता। मणियाँ मिले या हथकड़ियाँ मिले कवि को, मणियाँ मिले या हथकड़ियाँ मिले कवि को, सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता, सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता, सत्य को तराजू में ही तोलती है कविता। बात चाहे छोटी लगे खरी और खोटी लगे, बात चाहे छोटी लगे खरी और खोटी लगे, सबके हितों की बात बोलती है कविता, बात चाहे छोटी लगे खरी और खोटी लगे, सबके हितों की बात बोलती है कविता। मांग का सिंदूर जले गोली सीमाओं पे चले, मांग का सिंदूर जले गोली सीमाओं पे चले, देश प्रेमियों में आग घोलती है कविता, देश प्रेमियों में आग घोलती है कविता, देश प्रेमी। और राधा कृष्ण पर मैंने बहुत लिखा, लेकिन ठाकुर जी बैठे हैं तो मेरी एक गीत है बहुत पहचान का, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया और वो मुझे गीत की पंक्तियाँ ऐसे उतरती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मैं गीत शुरू कर रही हूँ और एक बात बताऊँगी, आप तो इसको कहीं भी कोट करेंगे आपके लिए तो बहुत एक चुटकी की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें सबको पता हैं, बस ध्यान मेरा गया। मैं बताती हूँ कि प्यार एक ऐसा शब्द, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास है। प्यार एक ऐसा शब्द, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा एहसास है जो हमारे आपके सबके आसपास है। ढाई आकर प्यार की कोई भाषा नहीं ठाकुर जी, कोई परिभाषा नहीं, और प्यार व्याख्या का विषय तो बिल्कुल भी नहीं। ढाई आकर प्यार पर मैंने चिंतन किया, मनन किया, तो मुझे कई शब्द मिले उसके पर्याय के, और मैं ऐसी तालियां चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे जो ऊपर से मुझे शब्द उतरे वो आप तक पहुँचे, तो मुझे लगे कि मेरे कानों में भी वो स्वर पहुँचे। प्रायः ढाई आकर मिला ठाकुर जी, प्यार ढाई आकर, प्रेम ढाई आखर, इश्क ढाई आखर, स्नेह ढाई आखर, प्रीत ढाई आखर,
प्रीति ढाई आखर, दोस्ती दोस्ती का आधार है ढाई आखर, भक्ति भक्ति के आधार है निष्ठा आस्था और प्रेम, सभी में ढाई आखर। अच्छा पिछले 8 तारीख को जब मैं खड़ी थी दरवाजे पर और द्वार नहीं खुले थे और मुझे दर्शन नहीं मिले थे, तो मैंने कहा प्रिया में भी ढाई आखर है और कांत में भी ढाई आखर है, और इन्होंने मुझे एक सप्ताह में बुला लिया। ठाकुर जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी बड़ी इच्छा होगी कि मैं आपके चरण स्पर्श करूँ और आपके साथ एक फ़ोटो ज़रूर खिंचाऊँ। ये मेरे ज़िंदगी का अविस्मरणीय दिन भी है, पल भी है, और मैं इसको अपनी किताबों में लिखूँगी। खैर, तो अगर मुझसे बात कर रहे थे ये ना मनवीर जी देश प्रेम की, तो हमने आपने सबने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में कि सच्चा प्रेम वही है, याद करते थे जब देश प्रेम की कविता याद करते थे कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। तो मुझसे अगर प्यार का कोई सबसे सटीक और मात्र एक पर्याय पूछे तो मैं वो कहूँगी ढाई आखर त्याग, मेरे दृष्टिकोण में भी यही है। और एक बात और ढाई आखर को मैं सिद्ध करूँगी, आपको सच्ची अच्छी लगेगी। देखिए, इस समय मैं खड़ी हूँ ढाई आखर मंच, और इस समय मैं बोल रही हूँ ढाई आखर मैं वक्ता, और मंच पर जितने बैठे हैं इन सबसे मेरा ढाई आखर का रिश्ता है, ये सब मेरे मित्र। इसमें और इस कविता में आपको ढाई आखर पुत्री भी दिख सकती है, पुत्र भी दिख सकता है, इष्ट भी दिख सकता है, प्रिया भी दिख सकती है, लेकिन सच मानिए प्रेम अनिष्ट नहीं कर सकता। और एक बहुत खास बात और है कि ढाई आखर अशोक चक्रधर जी बैठे हैं, उनसे तो मेरा ढाई आखर का बहुत ही गहरा रिश्ता है, मैं उनकी ढाई आखर शिष्या हूँ। और ढाई आखर श्रोता आप मेरे, मैं गीत शुरू कर रही हूँ, गीत में अगर आप सब ताल देते हैं तो गीत का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा, हर पंक्ति में आएगा जानिए वो प्यार है। कॉलेज में बच्चे साथ साथ गाते हैं, मैंने आप पर छोड़ा, कोई बात नहीं कर रही मैं आपको, आप इतना मन से सुन रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो अगली पंक्ति में जो बैठे हुए मेरे लिए, तो शायद मेरे पूरे जीवन की साधना आराधना। और बचपन में जो मैंने 4-4, 5-5 किलोमीटर जाकर और आकर 10-12 किलोमीटर की यात्रा करके जो रास देखा, जो महारास देखा, मुझे लग रहा है आज उसका फल मिलना मुझे शुरू हो गया है। गीत सुनेगा, बहुत कठिन काम है हंसाना, रसिक जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उतना कौशल मुझे हंसाने का प्राप्त नहीं, लेकिन मुझे ठाकुर जी 4 पंक्तियां किसी की आती हैं याद कि ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो सीखे हैं अगर थोड़ा किसी के हो के सीखे हैं, जो सीखे हैं अगर थोड़ा। वाँ, 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 वाँ। तो मेरे भीतर जो कला है वो ऐसी है कि मैं आपके दिलों में, आप बस कल्पना मात्र कीजिए कि आपको कोई प्रेम करता है, एक मुस्कान दौड़ेगी और चेहरे की कांति बढ़ जाएगी, कांति में भी ढाई आखर शुरू। मैं गीत शुरू कर रही हूँ कि रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, रंग को निखार दे तो जानिए वो प्यार है, जीने की जो चाह दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को राह दे तो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, दर्द को निगल गया तो जानिए वो सर्द में पिघल गया तो जानिए वो प्यार है, दर्द को निगल गया तो जानिए वो प्यार है, डूबते को तार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार है, गीत को जो भाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, मन में नया चाव दे तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उरखिले तो जानिए वो प्यार है, देखते ही उरखिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, सुनते सुनते सुर मिले तो। मेरा गीत धन्य हो गया ठाकुर जी की तालियां सुन के।
सुनते सुनते सुर मिले तो जानिए वो प्यार है, टूटते को जोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी को मोड़ दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को सवार दे तो जानिए वो प्यार है, बिखरे को सवार दे तो जानिए वो प्यार। और प्यार में जुबान जितना बोलती है। रस खान ने लिखा है कृष्ण की मनोदशा पे कि नै को कही बैनन, बैनन कहते हैं वाणी को, नै को कही बैनन अने को कही नैनन सो, नै को कही बैनन अने को कही नैनन सो, रही सही सो कह दीनी हिचकिन सो। प्यार में जुबान जितना बोलती है उससे कहीं अधिक बोला करते हैं भाव, भंगिमाएं, अंग्रेजी में हम जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। एक मनोवैज्ञानिक बात कर रही हूँ कि आंख बोलने लगे तो जानिए वो प्यार है, भेद खोलने लगे तो जानिए वो प्यार है, भेद खोलने लगे तो जानिए वो प्यार है, बिन कहे सुनाई दे तो जानिए वो प्यार है, बिन कहे सुनाई दे तो जानिए वो प्यार है, हो ना हो दिखाई दे तो जानिए वो। वाह 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 वाह। हो के दूर पास हो तो जानिए वो प्यार है, मीठा एहसास हो तो जानिए वो प्यार है, दुख से उबार दे तो जानिए वो प्यार है रूप। और एक बात और कहना चाहूंगी कि हम जिसे प्यार करते हैं बार बार उसी की बात करना चाहते हैं, बार बार उसी की बात सुनना चाहते हैं, और संभव हो तो बार बार उसी से बात करना चाहते हैं। अंग्रेजी में किसी ने कहा कि एवरी मैन इज पोएट व्हेन ही इज इन लव। मैंने हिंदी में अपने ढंग से बात कही। और एक बात और कहूंगी, इतनी अच्छी ब्रज भूमि और इतनी अच्छी वृंदावन की भूमि, हमारी रजकण इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें किसी सेंट और डिओडोरेंट और परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं। भारत इस प्यार के लिए जाना माना पहचाना जाता है। मैंने एक जगह लिखा कि मैंने खुद से कहा आप छिपाएं तो क्या, ना बताएं तो क्या, प्यार छिपता है क्या, रोके रुकता है क्या, मैंने खुद से कहा प्यार में तू नहा, प्यार जैसी महक है कहीं भी नहीं, है जहां प्यार बस जिंदगी है वहीं, है जहां प्यार बस जिंदगी है वहीं। प्यार पे मैंने जब जितना ज्यादा लिखा, ठाकुर जी एक पंक्ति पर आपका खास प्यार आशीर्वाद कि प्यार पे मैंने जब जितना ज्यादा लिखा प्यार उससे बड़ा उतना ज्यादा दिखा, प्यार पे लिखते लिखते कलम रुक गई, ढाई अक्षर के आगे कलम झुक गई। वाह 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 वाह। ढाई अक्षर के आगे कलम झुक गई, दिल से चाहे कोई बात है ना, उसकी बात तुमको बताती हूँ मैं ना, उसकी मैंने खुद से कहा आप कहें भी तो क्या, ना रहें भी तो क्या, हम रहें ना रहें प्यार रह जाएगा, हम रहें ना रहें प्यार रह जाएगा, ईंट पत्थर का घर यूं ही ढह जाएगा, प्यार की ही इमारत बनाते हैं जो, प्यार के गीत नगमे सुनाते हैं जो, प्यार की ही इबादत जो करते यहाँ, छोड़ जाएं जहाँ वे हैं मरते कहाँ, कोई सानी नहीं है यहाँ ताज की, बात तुमको बता दी है ये राज की, कि बहका मन रहे तो जानिए वो प्यार है, बहका मन रहे तो जानिए वो प्यार है, महका तन रहे तो जानिए वो प्यार है, महका तन रहे तो जानिए वो प्यार है, आईने से प्यार हो तो जानिए वो प्यार है, चाह बार बार हो तो जानिए वो प्यार है, छंद गीत तान हो तो जानिए वो प्यार है, बस उसी का गान हो तो जानिए वो प्यार है, बस उसी का गान हो तो जानिए वो प्यार। प्यार की पराकाष्ठा की अंतिम पंक्ति कि सांसें तक उधार दे तो जानिए वो प्यार है, सांसें तक उधार दे तो जानिए वो प्यार है, जिंदगी निसार दे तो जानिए वो प्यार है, रूप को सिंगार दे तो जानिए वो प्यार। और बस यही कहूंगी जो उतरा कि अखियों में रंग भरा
भरा अधरों पे रंग, सखी सुनियोरी रंग गई कान्हा के रंग सखी, सचमुच में रंग गई कान्हा के रंग सखी, नैनों में रंग भरा, नैनों में रंग भरा, बैनों में रंग सखी सुनियोरी रंग गई कान्हा के रंग सखी, जब से लगन लागी, जब से लगन लागी, जब से लगन लागी जग लागे प्यारा, जब से लगन लागी जग लागे प्यारा, अखियों से बहने लगी, अखियों से बहने लगी आंसुओं की धारा, भीज गई मैं सारी, रंग गई मैं सारी, नाचे अंग अंग सखी सुनियोरी रंग गई कान्हा के रंग सखी, बिंदिया में रंग भरा, निंदिया में रंग सखी सुनियोरी रंग गई कान्हा के रंग सखी, कान्हा को गाऊं सखी, कान्हा को ध्याऊं, बंद करूं आंखें मैं, बंद करूं आंखें, हाँ बंद करूं आंखें तो कान्हा को पाऊं, रोम रोम राम बसे, रोम रोम श्याम बसे, भागा अनंग सखी सुनियोरी रंग गई कान्हा के रंग सखी, कंगना में रंग भरा, अंगना में रंग सखी सुनियोरी रंग गई कान्हा के रंग सखी, कानों में रंग भरा, प्राणों में रंग सखी सुनियोरी रंग गई श्यामा के रंग सखी, सचमुच में रंग गई कान्हा के रंग।